खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन विभाग से बैठक के बाद मूलचंद शर्मा का बयान। तो परिवहन विभाग की बैठक ली और कहा कि रोडवेज यूनियन की कई मांगे हमने मान ली है। तो देश भर में नई 375 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आएंगे, बस अड्डे पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, हरियाणा के हर कोने तक परिवहन सुविधाएं पहुंचाना सरकार का विभाग का लक्ष्य है। तो परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और रोडवेज यूनियन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे, प्रतिनिधि शामिल रहे। शर्मा कहते हैं कि उनकी कई मांगों को मान लिया गया है, अब 375 इलेक्ट्रिक बसें लाने का हमारा प्रयास है और जाहिर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी तो चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी, तो चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने पर सरकार का जोर होगा, परिवहन सुविधा पूरे प्रदेश में हर कोने तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। हमने हरियाणा रोडवेज के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली है कि जल्दी से जल्दी जो बस हैं उन पर कंडक्टर ड्राइवर की स्टाफ की क्या स्थिति, और दूसरा जो यूनियन की जो बात रखी थी उनकी बातों को, उनके जो पॉइंट थे उनको भी पूरा करने के लिए हमने जानकारी ली है। जल्दी जल्दी इनकी जो भी बात है और जो प्रदेश के हित में, जो लोगों के हित में, जो कर्मचारी के, उनको भी जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास कर। क्या आने वाले समय के अंदर सर कुछ नई बसों के लिए भी सरकार लाने वाली है? नहीं, मेरे एक ही भी आने वाले समय में जो 2000 बस आएंगी आने वाले समय में, और पूरे प्रदेश में पूरे NCR में बस जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिकल बसें आएंगी? नहीं, इलेक्ट्रिकल बस भी 375 समय लगेगा, बस स्टैंड बनने हैं, चार्ज स्टेशन बनने हैं, उनके लिए दूसरे जो पैरामीटर उसके लिए भी एजेंसी लगाई है जो जल्दी जल्दी एजेंसी तैयार करेगी, और जल्दी जल्दी हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल बस हरियाणा के रोडों पर दौड़े। सर, यदि यूनियन की बात की जाए तो यूनियन का हर कुछ ना कुछ उनकी डिमांड रहती है, इनको लेकर उनके प्रदर्शन भी चलते रहते हैं, तो उस चीज को किस प्रकार आप डील करने के लिए आप तो क्या कदम उठाएंगे? नहीं, यूनियन की जो मांग है आज हमने पूरी करी है, जो उनने बात रखी है जो प्रदेश के हित में यूनियन के हित में है, उन मांगों को पूरा करने का सरकार ने काम किया है।